हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है शशि की दुनिया में। और आज जो है मंगलवार है। मंगलवार के दिन आप सबको पहले ही वीडियो में बताया कि मैं मंगलवार को जो है व्रत रखती हूँ। और यहाँ पे जो है चाय मैंने पूजा वगैरह कर लिया, सुबह का जो भी काम था सब निपटा लिया। और ये करीब 11:30 बज जाए और घर पे जो है अभी भी जो है धड़ल्ले से जो है काम चल रहा है। अभी भी बाथरूम का जो टाइलिंग का जो काम है वो कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 2 कप, जी हाँ 2 कप जो है लेबर जो मिस्त्री लगे हुए हैं काम उनके लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि घर पे अगर कोई हो तो उन्हें भी जो है चाय पानी पूछ लेना चाहिए। अच्छा लगता है मुझे खिलाना पिलाना, तो ये सब काम जो है करते रहना चाहिए। अच्छा बात भी है। और इधर रख देती हूँ। अच्छा, हम कहते हैं कि ये ट्यूजडे करती हूँ ना, उसी का प्रसाद है, खा लीजिए आप लोग। बस इसी का ये डाउट था, मतलब स्लिप नहीं करेगा ना, वही चीज़ है। ठीक है, क्या करेगा, ठीक है फ्रेश। और वो ऊपर ऊपर से पूरा भर दे रहा है ना, ऊपर भर दिया, हलवा कर दिया अंदर से ना, हलवा कर दिया, इसके ऊपर से भर के हलवा कर दिया। ठीक है, मतलब वही कॉकरोच वगैरह कहीं गैप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कॉकरोच वगैरह लगेगा ना। और उसका क्या बोला, वो तोड़ के नहीं करेगा जो वहाँ पे जो सीपेज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। और आज कह सकते हैं कि आज मंगलवार व्रत किया है तो शायद भगवान ने मेरी रक्षा की। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि हम कभी कभी कुछ चीज़ों को जो है इग्नोर करते रहते हैं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और शायद मैं उन्हीं में से एक हूँ जो आज तक जो है इग्नोर करती रही। और आज तो बिल्कुल मतलब कहते हैं कि हद ही हो गई। आज बिल्कुल सडनली जो है बिल्कुल प्रेशर कुकर से सीटी उछल कर जो है बाहर निकल गया और पूरे उसके अंदर का जो है राइस जो है पूरे किचन में फैल गया और बहुत बड़ा हादसा होते होते जो है बच गया। फ्रेंड्स, तो ये कहते हैं कि ना कि मतलब अगर मैं पास में होती बिल्कुल तो बिल्कुल फेस पे आ जाता और बिल्कुल सब कुछ खराब हो जाता। तो इससे पहले भी मैं एक बार लेकर आई थी तो बोला था इसने, जो प्रेशर कुकर बना रहा है, बोला था कि मैडम ये काफ़ी गैप हो गया, आप इसको ठीक करवा लो। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी काम चल रहा है, हो जाएगा, रहने दो, बाद में बना लेंगे। और देखिए 2 दिन बाद ही जो है मुझे फिर से वापस आना पड़ा। और ये देखिए अब जो है इसको किस तरह से ये सेट करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातों को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। लोग बोलते हैं कि रिस्क सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है अपने घर में रिस्क में रहती हैं, कब कहाँ से क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। फ्रेंड्स, तो इन सब चीज़ों को जो है बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, चाहे प्रेशर कुकर हो या मिक्सर ग्राइंडर हो या कुछ भी छोटी चीज़ें हो या गैस आपका स्टोव हो लीक हो रहा होगा, कुछ भी। देखिए जान है तो जहान है, मेरे कहने का मतलब यही है। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल आप तभी रख सकते हैं जब आप अपना घर की चीज़ों को, अपनी चीज़ों को जो है इग्नोर ना करें। और खासकर सेफ्टी जैसी चीज़ों को जो है बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बाकी काम तो होते रहेंगे, चलते रहेंगे, काम कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन ये सब चीज़ें तो जो है हमें सबसे पहले जो है करके रख लेना है। तो बस इस व्लॉग के माध्यम से यही दिखाना चाहते हूँ कि बिल्कुल मात्र 140 रुपीज़ में जो है ये मैंने प्रेशर कुकर ठीक कर लिया। और अच्छे से ये अब काम भी कर रहा है और अच्छे से सब कुछ हो रहा है। मतलब बीच बीच में जो ये सब चीज़ें अगर कुछ होता है, गैप वगैरह हो जाता है, तो रिपेयर भी हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नया ही खरीदना पड़े। तो ये सब भी काम मुझे ही कराना पड़ता है, लेकिन अभी तक मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। काम चल रहा था तो कल चल रहा था, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल पूजा वूजा करने के बाद, चाय पानी पीने के बाद सीधे इसको बस क्लीन की और लेकर सीधे आ गई कि भैया इसको जल्दी से ठीक कर दो। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि आप अपना और अपने परिवार का तभी ख्याल रख सकते हैं जब आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो ब्लॉग को जो है देखिए कंटिन्यू किस तरह से ये जो है मिस्त्री काम कर रहे हैं। और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। छोटा लग रहा है, उसी का है ना, उसी का है। गैप है इसको भर रहा है नहीं।